आज मोहलेडी धनबाद से हाजियों का काफिला हज के लिए रवाना हुआ। हो तुम सबको हज का महीना मुबारक, हो तुम सबको हज का महीना, न थी मेरी किस्मत के देखो मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। जोहर नमाज के बाद जामा मस्जिद में दुआ हुई, उसके बाद हाजियों का काफिला धनबाद के लिए रवाना हुआ। हाजियों से मिलने के लिए मोहलेडी में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों लोग हाजियों को छोड़ने के लिए धनबाद रेलवे स्टेशन तक गए, फिर वहां से ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस से कोलकाता के लिए रवाना हुए और वहां से कोलकाता से फ्लाइट के जरिए से मदीना पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि कोरोना की वजह से लोग 2 साल तक हज के लिए नहीं जा पा रहे थे। इस साल लोगों में काफी जोशो खरोश है और लोग पूरे उत्साह के साथ हज के लिए जा रहे हैं। मोहलेडी धनबाद से 10 लोग हज के लिए जा रहे हैं, तो वहीं हमारे धनबाद जिला से 172 लोग जा रहे हैं। वहीं पूरे झारखंड की बात की जाए तो झारखंड से 1432 और पूरे इंडिया से 69,200 लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं। हज यात्रियों को धनबाद रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए क्षेत्र संख्या 16 जिला परिषद सह झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला, मोहलेडी मुख्य प्रतिनिधि मोहम्मद आजाद, मौलाना मोहम्मद यूसुफ, मौलाना मोहम्मद अफ्ताब, उप मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद फुलटन, हाजी मोहम्मद महमूद, मोहम्मद मुख्तार डीलर, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद अबुलेश, मोहम्मद जाकिर सईद, क्रांतिकारी व समाज सेवी रिजवान अख्तर सहित कई लोग गए थे। आप देख रहे थे ऑल फॉर ऑल न्यूज। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल ऑल फॉर ऑल न्यूज को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।